का भारत एक बहुत अच्छा पड़ोसी था, लेकिन चीन ने हमेशा भारत का बुरा ही चाहा। 1962 की कड़वाहट को भूलकर भी भारत ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीन ने तो हमेशा भारत का बुरा ही चाहा। अंदर घुसपैठ करना, भारतीय सैनिकों को परेशान करना और ऐसा सब कुछ की, इस गद्दारी की वजह से भारत ने भी अभी अपना रूप अपनाया है। अभी चीन को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, लेकिन अब हुआ ये कि भारत के अमित शाह ने भी चीन के मामले में दखल दी और चीन के जनरल को भी अपने आप पे भरोसा नहीं रहा। आइए दरअसल मामला क्या है ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखते रहे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दरअसल आपको अमित शाह का संसद का वो भाषण पता ही होगा जहाँ उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब अक्साई चीन और पीओके हमारा होगा, और ये बात कहीं ना कहीं सच हो रही है। लगता है वह दिन अब आ चुका है, अब देश की जनता खुश हो जाने वाली है। जल्दी अक्साई चीन और पीओके भारत में आएगी, क्योंकि लद्दाख के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरेस्ट दिखाया है। वैसे आपको बता दें कि इनकी तबीयत हाल ही में खराब थी, को क्या फिर से आ चुके हैं। अमित शाह ने लद्दाख के मुद्दे पर शनिवार को बातचीत की। एक्सप्रेस के मुताबिक माने तो कहा जा रहा है कि अमित शाह चीन के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। अगर अपने खबर सुनी कि भारत ने चीन के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लिया है, तो इसमें कुछ आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं चीन के जनरल ने क्या कहा। चीन के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से बयान आया है कि भारतीय सेना चीन के मामले मुकाबले दो गुना है, और ठंडी में भारतीय सेना कम होने के बजाय दो और भी 1,00,000 सैनिकों को भारत ने बढ़ाया है। ड्रैगन को किसी भी वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में यह बात कह दी, और ये उनका डर है। डर इसलिए क्योंकि कहीं अक्षय चीन हाथ से न निकल जाए। अगर अक्षय चीन निकल गया तो हांगकांग तिब्बत जैसे देश भी स्वतंत्र के लिए नारा लगाएगा, और फिर चीन का कुछ नहीं चलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि अक्षय चीन उसके हाथों से कभी न जाए। लेकिन अब उसने भारत के साथ लड़के बहुत बुरा किया, क्योंकि भारत ने बहुत सारे तैनाती कर दी अपने ट्रूप्स की। भारतीय सेना चीन की सेना के मुकाबले में दो गुना है, और भारतीय सेना के पास एक्सपीरियंस भी ठंड में, जबकि चीनी सेना के पास लड़ाई ठंड में लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। यहाँ चीन ने अपने पूरे देश से ढूंढ ढूंढ कर सैनिकों को लाया है, लेकिन सेना के पास दुनिया का नंबर 1 माउंटेनियर सैनिक है। और चीन के जनरल ने कहा कि नवंबर तक हमारे सैनिक नहीं टिक पाएगा। अभी इसका सीधा मतलब US को भी उन्होंने संबोधा है, क्योंकि US का इलेक्शन नवंबर में, और डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके देशों में उनके हारने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर नवंबर से पहले कुछ बड़ा होता है तो अमेरिका भारत के सपोर्ट में जरूर आएगा। अमेरिका जरूर भारत को सपोर्ट करेगा, और ये ट्रंप के लिए इलेक्शन जीतने का एक बड़ा मुद्दा है, और तुम तो अपने इलेक्शन कभी भी हारना नहीं चाहते, तो वो तो मदद करेगी भारत। वैसे तो भारत को किसी भी देश की कोई सपोर्ट या मदद की जरूरत नहीं, भारत अकेला काफ़ी है चीन की। ऐसे में यह देख रहा हूँ कि क्या ड्रैगन पीछे हटता है या फिर हार करने के लिए तैयार है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगले कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो थैंक्स।